नेपाल के काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाले यति एयरलाइंस का एक प्लेन 15 जनवरी 2023 को हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 68 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में भारतीय मीडिया संगठन इस मामले पर खबर पब्लिश करते हुए ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट पब्लिश करते हुए ये तस्वीर थंबनेल के रूप में शेयर की। वहीं तस्वीर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 72 लोगों को लेकर जा रहा यात्री विमान ATR-72 रविवार को नेपाल के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के हाल के विमान हादसे की बताकर ये तस्वीर चलाने वाले मीडिया आउटलेट्स में DNA, लाइव हिंदुस्तान, वन इंडिया, News18 हिंदी, आज तक और ANI डिजिटल शामिल है। तो क्या वाकई में ये तस्वीर नेपाल में हाल में हुई विमान दुर्घटना की है? तफ्तीश करते हुए ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर इस तस्वीर को रिवर्स में सर्च किया। 2015 में CBS न्यूज ने इस रिपोर्ट में ये तस्वीर पब्लिश की थी। ये आर्टिकल दुनिया भर में सालों से हुई हवाई दुर्घटनाओं के बारे में था। इस तस्वीर के साथ बताया गया है कि ये मलबा सितंबर 2012 में काठमांडू में हादसे का शिकार हुए निजी फर्म सीता एयर के विमान का है। रॉयटर्स के फोटो आर्काइव में ये तस्वीर मौजूद है और इसे 28 सितंबर 2012 का बताया गया है। 2012 में France 24 ने रिपोर्ट किया था कि 19 पैसेंजर को ले जा रहा ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। BBC ने इस हादसे का कारण ओवरलोड बताया है। वहीं 2012 की अल जजीरा की इस रिपोर्ट में इस प्लेन के मलबे के दृश्य दिखाए गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये तस्वीर साल 2012 में नेपाल में हुए एक विमान हादसे की है, न कि हाल में हुई प्लेन दुर्घटना की, जैसा कि मीडिया ने दावा किया।